पुलिस ऑफिसर के मरने से कानून का सर कटता नहीं, गर्व से ऊंचा हो जाता है। क्या? ये देखिए, इसमें लिखा है कि इंस्पेक्टर बलवंत कानून के माथे पर एक बदनुमा दाग था। इसने गांव के हर घर में कोहराम मचा रखा था। इसी ने ठाकुर के कहने पर विजय नाम के किसान को उसी की छोटी बहन के झूठे खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। और इसी ने ठाकुर की चंडाल चौकड़ी के साथ मिलकर मेरी इज्जत लूटी थी। तीन को तो मैं ठिकाने लगा चुकी हूं, और अब नंबर है ठाकुर जागीर सिंह का। क्या बकती हो? मैं बक नहीं रही, इसमें जो लिखा है वही पढ़ रही हूँ। पढ़ना लिखना छोड़ो और ये बताओ कि तुम किस मर्ज की दवा हो, आखिर तुम कुछ करती क्यों नहीं? ठाकुर साहब, रामवती को पकड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये वादा रहा कि मैं आपको बहुत जल्द इस चिंता के चंगुल से मुक्त कर दूंगी। हवलदार, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करो। अब कानून के वादों पर भरोसा करना बेकार है, रामवती के लिए मुझे ही कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। भवानी सिंह, अपनी जुबान को लगाम दो। हमें बेलगाम होने पर मजबूर आपने किया है सरदार, क्योंकि आप बुजदिल हैं, डरपोक हैं, कायर हैं, जंग लगी बंदूक किताब बेकार हो चुकी है। आखिर मैंने किया क्या है? हम डाकू की शान ये बंदूक है जिसे आप हाथ लगाना भी भूल चुकी हैं। आप तो ये भी भूल गई सरदार कि आप डाकू क्यों बने। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कितनी बार आपको याद दिलाऊं कि ठाकुर और उसके साथियों ने आपकी इज्जत लूटी, इंतकाम लेने के लिए आप डाकू बनी और हम सब ने आपके साथ देने की कसम खाई। आखिर तुम चाहते क्या हो? सबसे पहले उस लड़की की मौत जो आपका खून करना चाहती थी, जिसकी वजह से आप अपनी याददाश्त खो बैठी। कौन है वो? इंस्पेक्टर रजनी। इंस्पेक्टर रजनी? हाँ, और उसी ने इंस्पेक्टर बलवंत का खून किया। इंस्पेक्टर बलवंत? हाँ, इंस्पेक्टर बलवंत। आपको अपनी कसम पूरा करने के लिए इंस्पेक्टर बलवंत के खून की जरूरत थी। रजनी ने वो खून बहाकर आपकी कसम का अपमान किया है, और ये भी मत भूलिए कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है। आपने उसे खत्म नहीं किया तो वो हम सबको खत्म कर देगी। नहीं भवानी सिंह, ऐसा नहीं होगा। मैं उस रजनी को खत्म कर दूंगी जिसने मेरी कसम का अपमान किया है। उससे मेरा अतीत तो कौन सा गुनाह किया है मैंने? ये गुनाह नहीं तो और क्या है? तुम उसे प्यार का इकरार करके दूर दूर रहने लगी हो, क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? प्यार सिर्फ बेकार लोगों का काम है, और मैं बेकार नहीं हूँ, मुझे और भी काम है। रजनी बेटी, बेटी ये क्या, यहाँ आते ही तू अपने माँ को भूल गई? खैरियत का एक खत भी नहीं डाला तुमने। पता नहीं दिल में कितने बुरे बुरे ख्याल आते थे। कभी कभी लगता था किसी डाकू या बदमाश ने तुझे मार न डाला हो। भगवान न करे अगर ये सच होता तो मैं कभी जिंदा नहीं रह सकती थी। अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी बेटी, कभी नहीं। नहीं माँ, नहीं, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। मैंने विजय के प्यार को तो धोखा दिया, अगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि एक माँ की ममता को धोखा दे सकूं, तो फिर तुम कौन हो? मैं डाकू रामवती हूँ। तुम रामवती हो? हाँ विजय, तुम मुझे रजनी समझकर उठा लाए, और मैं भी बलवंत और ठाकुर से बदला लेने के लिए इंस्पेक्टर बन गई। इस तरह से मैंने रजनी की हमशक्ल होने का पूरा पूरा फायदा उठाया। हमशक्ल? तो फिर तुम्हारे माँ बाप कौन है? होश आया तो खुद को कोठे पर पाया, जवान हुई तो ठाकुर जागीर सिंह ने मेरी इज्जत लूटी और मुझे डाकू बनने पर मजबूर कर दिया। तो फिर जरूर तू मेरी बिछड़ी हुई बेटी राधा है। राधा? हाँ, रजनी तेरी जुड़वा बहन है, इसीलिए तुम दोनों की शक्ल एक जैसी है। नहीं नहीं, भगवान मुझसे इतना बड़ा अपराध नहीं करवा सकता। कैसा अपराध? मेरे कारण मेरी माँ की गोद उजड़ गई, मेरी बहन मुझसे बिछड़ गई, ये अपराध नहीं तो क्या?
क्या है? और ये अपराध इसलिए हुआ कि तुमने कभी अपने दिल के कोने से अपने खून की आवाज को सुनने की कोशिश ही नहीं की। अगर की होती तो तुम्हें पता लगता कि तुम्हारा इस दुनिया में और भी कोई है। रजनी! तुमने इंस्पेक्टर बलवंत का खून करके मेरी कसम का अपमान किया है और इस अपमान की सजा मौत है। तू जिंदा है बेटी? हट बुढ़िया! मैं किसी की बेटी बेटी नहीं, डाकू रामबती हूँ और इस इंस्पेक्टर से अपना हिसाब चुकाने आई हूँ। तू पागल हो गई है रजनी, जो अपने आप को डाकू समझ रही है? अरे डाकू रामबती तो मैं हूँ। यही झूठ तो तूने उस दिन भी कहा था जिस दिन मैंने चंदन सिंह का खून किया था। चंदन सिंह को तूने नहीं, मैंने मारा था। और अगर ये तेरे साथी है तो बता इसका नाम क्या है, ये कौन से गाँव का रहने वाला है, इसके खानदान पर ठाकुर ने कौन कौन से जुल्म ढाए, जवाब दे। अरे जब तू रामबती है ही नहीं तो जवाब क्या देगी? सुन, ये शर्पू है, ये मादा है सीतापुर गांव का रहने वाला, और ये इसके पूरे खानदान को ठाकुर ने जिंदा जला दिया था। बोलो भवानी सिंह, क्या तुम भी अपनी सरदार को नहीं पहचानते? अरे जब मैं गुलाबो बाई का खून करके भाग रही थी तो तुमने ही तो अपने घर में मुझे पनाह दी थी। तो सच कर रहे बेटी, हमें माफ कर दे रजनी बेटी, भूल हमसे भी हुई जो हमने तुझे अपने आप को डाकू समझने पर मजबूर कर दिया। हाँ रजनी, मैं तुम्हारी जुड़वा बहन हूँ, आओ मेरे सीने से लगकर उस प्यार का आधा हिस्सा मुझे दे दो जो तुम्हें आज तक माँ से मिला है। रजनी, अब मरते समय मुझे ये गम नहीं होगा कि मैं अकेली हूँ। ठाकुर की मौत के बाद मेरी बहन वो पहली इंस्पेक्टर होगी जो रामबती के हाथों में हथकड़ियां पहनाएगी। ये क्या रजनी, जब ये साबित हो गया है कि मैं इंस्पेक्टर रजनी हूँ तो मैं अपनी बहन को और जुर्म नहीं करने दूंगी। नहीं, जब तक मैं ठाकुर को अपने इंतकाम की कब्र में दफन नहीं कर लेती तब तक तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती। चलो साथियों, रुक जाओ दीदी, नहीं तो मैं गोली चला दूंगी। अपना खून बहाने का इतना ही शौक है तो चलाओ गोली। मैं मर सकती हूँ लेकिन झुक नहीं सकती। रुक जाओ, हटाओ, रुक जाओ दीदी। जरा ये तो सोच, आज अगर उसकी जगह तू बिछड़ गई होती तो कानून की दुश्मन तू होती और कानून का फर्ज वो निभाती। वो जो हुआ वो विधाता की मर्जी थी और ये जो हो रहा है ये मेरी मर्जी है। रजनी, रजनी माँ, तुम कब आई? पीछे रामवती कहाँ है? वो अभी अभी यहाँ से गई। हाँ बेटी, वो तेरे बचपन की बिछड़ी हुई जुड़वा बहन राधा है। वाह वाह वाह, पुलिस इंस्पेक्टर और डाकू और दोनों जुड़वा बहन। जग्गा डाकू? नहीं माँ, ये जग्गा डाकू नहीं, ठाकुर जागीर सिंह है। नहीं, ये ठाकुर जागीर सिंह पहले जग्गा डाकू था, इसी ने तेरे पिता को मार डाला था और तुम्हारी बहन की इज्जत लूटकर उसे डाकू बनने पर मजबूर किया। तो तुम इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह की धर्म पत्नी लक्ष्मी हो, उस दिन तो बच गई लेकिन आज नहीं बचोगी। उससे पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगा ठाकुर, खबरदार आगे मत बढ़ना। अरे बेवकूफ, हाथ में सुई लेकर तलवार वाले से लड़ने चला है, इन्हें बचाने रामवती जरूर आएगी और जब तक नहीं आएगी ये छम्मक छल्लो नाच गाकर हमारा दिल बहलाएगी। रामवती? अरे वाह वाह, रामवती ठाकुर की ठाकुराई से टक्कर लेने के लिए बड़े जोरों से आई है।
अब तेरी लाश के दो टुकड़े करके इसी घोड़े पर वापस भेज दूंगा। जरा गर्दन उठा के देख, मेरे साथियों ने तेरे कुत्तों के गले में पत्ते डाल रखे हैं। बंदूक फेंक दे ठाकुर। देख लिया ठाकुर, जिन हाथों को जोड़कर मैंने तुझसे अपनी इज्जत की भीख मांगी थी, वही रामवती के हाथ आज तेरे लिए मौत लेकर आए हैं। मौत तेरे हाथों में नहीं रामवती, ठाकुर की ठोकरों में रह रही। Thank you.
रजनी। हट। तेरी तलाश में सारी जिंदगी एक थाने से दूसरे थाने में अपना ट्रांसफर खुद कराता रहा। राज मेरी तलाश बंद कर, सारे को ले जाके अंदर। आजा आजा, तेरी तलाश में हम बहुत भटके, अब खाते रहे ना जेल में फटके। जाता कहाँ है, नमूना तो लेता जा। ये ले। अच्छा माँ, नहीं, नहीं, नहीं।